बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ दाल गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बन जाता है। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेगची में ऑयल डाल देंगे, फिर तो उसके बाद यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया था, उसको चॉप कर लिया था छोटा छोटा, वो डाल देंगे। प्याज को ब्राउन होने तक भूनना है। इसमें टमाटर ऐड करेंगे, थोड़ी देर तक टमाटर को भूनेंगे। ये टमाटर हमारे अब भून चुके हैं, अब हम चिकन शामिल कर देंगे। हम इसमें एक चम्मच हल्दी डाल देंगे, एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, एक चम्मच ही गरम मसाला शामिल कर देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, नमक भी शामिल कर रही हूँ मैं यहाँ पर। अब चिकन को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। चिकन को मैंने 10 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। इसमें चने की दाल शामिल कर रही हूँ, इसको मैंने आधा घंटे पहले भिगो के रख दिया था, इसको मैंने ऐसे ही शामिल किया है, बॉयल करके शामिल नहीं किया। साथ ही मैंने इसमें आधा कप के करीब पानी शामिल कर दिया है और चिकन अब और दाल को अब अच्छी तरीके से भून लेंगे। सालन को ढककर थोड़ी देर तक हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि हमारी दाल नरम हो जाए। अमूमन लोग ये करते हैं कि दाल को बॉयल करके डालते हैं, पर हमने ऐसे ही शामिल किया है, इस तरह से भी बहुत मज़े की बनती है। तो हमने इसको ढककर तकरीबन 10 मिनट तक पकाया है। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 गिलास के करीब यहाँ पर मैंने पानी शामिल किया है। अब दोबारा इसको ढककर हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन आधा घंटा हमने इस नमक को पानी डाल के पकाया, अब हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम इसमें हरे धनिया शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कि कितने मज़े का ये बना है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। एक मिनट।